एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। सो आज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्योंकि कल पाव भाजी बनी थी, आपने व्लॉग में देखा होगा। तो आज हम लोगों ने वही खाई क्योंकि ऐसी चीज़ों का हम पहले से ही मम्मा को बोल देते हैं कि हमको रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, उसका मतलब हमें सुबह नाश्ते तक का सिस्टम चाहिए। तो मम्मी उस हिसाब से सब कुछ तैयारी करती है। तो हमने खा ली है पाव भाजी और हम दोनों पी रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। तो कोल्ड कॉफ़ी मैं आपको व्लॉग में बता चुकी हूँ कि कोल्ड कॉफ़ी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सब हम कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। सो मैंने ना रात को ब्लॉग एडिट नहीं किया था, तो मैं जस्ट नाश्ता वाश्ता करके सीधे ब्लॉग एडिट करने बैठ गई। कल रात को ना पता नहीं बहुत आलस सा आ गया था, मन सा नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉग एडिट करूँ और ये सब करूँ, तो फिर मैंने नहीं किया। तो अब मैं बैठी हूँ करने, आई होप एक दो घंटे में तो हो ही जाएगा, निपटा ही दूंगी ये काम। तो गाइस आपको पता है मेरे अंदर है ना एक स्किल है, मतलब मैं ना एक गाने के साथ 10-10 गाने मिला सकती हूँ। जब मैंने अपने पीजी में भी रहती थी ना, तो सब मुझे कहते थे कि आप कोई गाना गाए, बस आप गाने मत गाना। तो मतलब मेरे को गाने गाने पसंद है, मैं क्यों नहीं गाऊँ? और मेरे क्या हो गया लिरिक्स में गलत सलत बोलती हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? तो स्वाति आपको बताएगी कि ये सच बात है। बिल्कुल सच बात है, एकदम कान पका देती है, इतने घटिया गाने गाएगी। और गाती नहीं है वो पढ़ती है, जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हिंदी का वैसे उसका गाना गाती है। ऐसा नहीं है, मैं वाकई मैं अच्छा गाती हूँ। अभी आपको सुनाऊंगी नहीं, पर मैं अच्छा गाती हूँ, सच्ची में अच्छा गाती हूँ मैं। हम कर रहे हैं लंच, रायता, सैलेड और सब्जी में है भिंडी की सब्जी, है ना। हॉलीडे हैप्पीनेस, 1.5 साल से 2 साल से हॉलीडे हैप्पीनेस है क्या तेरे को? 2 साल से हाँ हो गई है, सही समझ। ये लो आपका नमक। ओके तो लंच करते हैं, मिलते हैं, बाय। सो गाइस आप चुन्नू को देखो, सारा दिन तारक मेहता का देखता रहता है। अभी भी इसकी पिक्चर चल रही है। कौन सी पिक्चर देख रहा है? ABCD रिपीट वही पिक्चर देखता रहता है। और तारक मेहता वही रिपीट पर रिपीट वही मूवीज और वही सब देखता रहता है बैठ के। कभी तारक मेहता तो इतना देखता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। सो आज जा रही हूँ मैं बाहर, शाम हो चुकी है, बज चुके हैं 5-6 बज चुके हैं आई थिंक। और मतलब मैं कैमरा लेके नहीं जा रही आज बाहर, मतलब ऐसे शूट करने। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, रेडी होके आपको मिलती हूँ। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने सिंपल टॉप पहन ली, अपनी पोनी बना ली और फिर चलते हैं। आप लास्ट सैटरडे का देख रही हूँ क्योंकि टीवी पे जब आता है तो मैं देख नहीं पाती, तो मैंने सोचा कि अभी चला लेती हूँ और देख लेती हूँ। तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रही हूँ, देख रही हूँ, लेकिन खास मज़ा नहीं आ रहा अभी देखने में। रात में लेट के बस देखूँगी तब शायद, बाकी देखते हैं। आप कोई सीरीज या कोई भी कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं जो देखने के लायक, प्लीज़ सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में। अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो इंटरेस्टिंग है, फनी, कॉमेडी, एनीथिंग। एंड ऑल्सो गाइस चंचल तो गई है बाहर, तो आज की चाय मुझे ही बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं किचन में और चाय बनाते हैं। और ये मुन्नू आ गया है, कहाँ जा रहा है? साइकिलिंग। सो आजकल के बच्चों को साइकिलिंग का नया शौक चढ़ा है। हमारे टाइम में तो जब साइकिल नहीं आती थी हम बस तभी चलाते थे, उसके बाद तो ट्यूशन के लिए थोड़ी सी चलाई थी। और ये जा रहा है साइकिलिंग अपने फ्रेंड के साथ। यार फ्रेंड के साथ साइकिलिंग करने का मौका मिले तो चले ही जाते हैं लोग। यस, और 2 तारीख से वैसे भी चालू हो रही है कोचिंग। यार सबसे खुशी की बात आज मुन्नू को मिल गई है, मास्क हटा के बता दे। तो न्यूज आई है कि 2 तारीख से कोचिंग चालू हो रही है। मतलब बेस्ट तो स्कूल और बाकी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन होने की बोली है, पर जहाँ तक है कोचिंग भी हो जाएगी।
सो मतलब ये 12th क्लास में है, तो आप सबको भी पता ही होगा 11th 12th कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, तो कोई मिस करना चाहता नहीं है, वो चाहे फिर कोचिंग में हो, कोचिंग में भी इससे अलग मजा आता है, पढ़ाई के साथ साथ फन, फ्रेंड्स के साथ रोज मिलना, तो इससे बहुत एक्साइटेड है, राइट? राइट, वेरी राइट। सो अब तो चलो साइकिलिंग करने जा रहा है, कहाँ तक जाएगा पता तो? जहाँ तक मन करेगा। चलो बाय कह सकता है तू अपने दोस्तों को। बाय। कुरकुरे ले आया था तो चाय के साथ खाएंगे कुरकुरे, चाय के साथ खाएंगे कुरकुरे। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ, आई होप आप लोगों ने ब्लॉग इंजॉय कराओ। गाइस प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।